बिल्कुल तो हेलो सही है। चलो जी, अब आज अपने पास है दो डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। नेटवर्किंग डिवाइसेस, व्हाई डू वी नीड डिवाइसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, व्हाट इज नेटवर्किंग? तो बोलो, इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, ऑल एग्री दोस्त? इसमें आप एक चीज मिस कर गए, इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस सो दैट दे कैन शेयर द रिसोर्सेज अमंग ईच अदर, एग्री और नॉट? बट टिल द टाइम द डिवाइसेज आर नॉट एबल टू शेयर द रिसोर्सेज, इट्स नॉट अ नेटवर्क, एग्री? अब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कौन कौन है? बहुत सारे होंगे, पक्की बात है, चलो छोड़ो। अब वो कौन सी बुक थी, होती थी वो कंप्यूटर नेटवर्क्स वाली, फ्रोजन है ना, फ्रोजन में या टेनेनबॉम में आपने पढ़ा होगा कंपोनेंट्स भी होते हैं नेटवर्क के, कौन कौन से होते हैं? चार चार कंपोनेंट्स होते हैं, सेंडर, रिसीवर, मीडियम एंड प्रोटोकॉल, है ना। सेंडर मतलब कि जो भी, सी यूट्यूब पे इफ यू आर अपलोडिंग अ वीडियो then you are a sender. YouTube पे we all are watching the video, we all are receivers. Do we have to be a networker to become a sender or a receiver? भाई जो बंदा networker नहीं है वो भी तो videos upload और download कर सकता है ना, बिल्कुल। अब medium, who is the medium? YouTube. क्या YouTube एक networker है? तो networker का काम क्या है? Fourth thing, providing the protocols, right? Protocols मतलब a set of rules and regulations. Providing the set of rules and regulations is the work of a networker. Agree? ठीक है। तो friends, this is what we all going to do. Devices, ये सबके सब devices medium का एक part है, right? उस medium को किस तरह से configure करना है, that is the work. That is our work. Networker's work. Clear? अब डिवाइसेस मेरे पास दोस्त बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एक हो गया हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, रिपीटर और फायरवॉल, ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेस हैं। अब बेसिकली एक रिपीटर का काम क्या होता है? इंक्रीज द सिग्नल स्ट्रेंथ। ओके, मैं इसको ये बोलूंगा दोस्त कि अगर दो डिवाइसेज हैं, ये दो डिवाइसेज आर कनेक्टेड थ्रू अ फास्ट इथरनेट केबल, राइट, लैन केबल जिसको हम लोग बोल देते हैं, तो अब ये केबल के थ्रू कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली दोस्त केबल से जो डेटा फ्लो कर रहा है वो कुछ रास्ते तक तो अच्छा रहेगा, बट कुछ रास्ते के बाद सिग्नल विल बी डिस्ट्रॉयड ना, डिस्ट्रॉयड का मतलब वीक हो जाना, राइट। तो अब यहाँ पर दोस्त आइडियली दे से, यूजली दे से कि 100 मीटर पे वी शुड यूज द रिपीटर, राइट, बट अगर 100 मीटर पे नेटवर्क वो बेचारा चौक हो ही जाएगा तो बेटर टू यूज एट 90 मीटर, है ना। जब 100 मीटर पे वो लॉस हो ही जाएगा तो जरूरी है 100 मीटर पे यूज करना, 90 मीटर पे यूज कर लो। द वर्क ऑफ अ रिपीटर इज जस्ट टू रीजनरेट द डेटा, राइट, डेटा को रीजनरेट कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स बीइंग अ रिपीटर। बट दोस्त एक बात है, जो रिपीटर है ना ये पहले यूज करा करते थे, पता है चीज, रिपीटर पहले यूज हुआ करते थे, अब रिपीटर कहीं यूज नहीं होते, व्हाई? बिकॉज नाउ वी हैव इज फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स मतलब फाइबर के थ्रू आई हैव कनेक्टेड द नेटवर्क, एग्री और नॉट? नाउ फ्रेंड्स, विद द फाइबर इफ द नेटवर्क इज कनेक्टेड देन फाइबर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छा है, right, and also the speed of the light is the speed of the fiber is at the speed of light, right? So matlab data jaldi jayega. Ab number 1, isko establish karna, isko configure karna bahut mehanga, right, isko maintain karna itna mehanga nahi hai, राइट। एक बार में उसको कंफिगर करना बहुत महंगा होता है, बट बाद में इट्स गुड। तो फाइबर, यस, नाउ द इंडस्ट्रीज आर यूजिंग द फाइबर्स फॉर श्योर,
आई होप वी नो दैट ऑलरेडी. ओके हाँ जी बोलो, कोई कुछ बोला था? फाइबर ऑप्टिकल घरों में नहीं यूज करते सर, पता है कितनी महंगी है सर? वो एक्चुअली फाइबर नहीं है, उन्होंने क्या कर रखा है? हाँ कोएक्सियल है, कोएक्सियल टाइप की है वो एक्चुअली वो नहीं है. फाइबर घरों पे यूज नहीं करेंगे, फाइबर यार बहुत महंगी है वो. घरों पे आपके घर पे उसका खर्चा आ रहा है 1000 रुपये महीने का, और 1000 रुपये में उन्होंने लाखों की लागत का आपके घर तक वो सब बिछा दिया, और फिर स्पीड ऑफ लाइट की तरफ से आपका वो इंटरनेट चल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है. को बात सर स्पीड काफ़ी चेंज हो गई है. अगला फ्यूचर जो आने वाला है वो अभी फाइबर में होगा, लेकिन अभी वो फाइबर सिर्फ अपने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स तक लगाते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से जहाँ पर उनका एक सेंट्रल पॉइंट होता है, जैसे मेरे एरिया में अगर मैं साउथ गुड़गांव में रहता हूँ, तो साउदर्न गुड़गांव में उन्होंने एक जगह पर लगा रखा है वो, ठीक है, तो साउदर्न गुड़गांव में वहाँ तक उनका तो फाइबर है, उसके बाद तो वो सिर्फ डिजिटली चलता है और कुछ नहीं. चलो अब रिपीटर, चलो बहुत ओल्ड फैशन हो गया, ठीक है. उसके बाद दोस्त ब्रिज. अब ब्रिज क्या है? ब्रिज सिर्फ एक स्विच है. स्विच के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा, बस स्विच के अंदर एक बहुत अच्छी चीज होती है वीलैन, ब्रिज के अंदर वो चीज नहीं होती है, ठीक है. तो अभी स्विच के बारे में प्रॉपर बताऊंगा, तब ब्रिज अपने आप एक ही लाइन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है. अभी रुक जाओ, हब के बारे में देखते हैं पहले. हब क्या है दोस्त? हब सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल डिवाइस है, अ फिजिकल डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड टू इट, ठीक है. कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसको प्रोवाइड की गई हैं, उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे ये काम करता है और किसी चीज पे नहीं, ठीक है. अब देखो हब जो है वर्क्स ऑन हाफ ड्यूप्लेक्स. दोस्त हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होता है? वन वे ट्रैफिक, वन वे ट्रैफिक, राइट. कि भाई एक वन वे रोड है, भाई बंदा ये जगह है, यहाँ से बंदा या तो उधर से इधर आ सकता है या इधर से उधर जा सकता है. अगर दोनों आएंगे तो क्या होगा? कोलिजन, राइट राइट. तो हाफ, हालांकि हाफ डुप्लेक्स अब कहीं यूज होता नहीं है, ये भी पुराना जमाना हो चुका है. अब देखो हब के बारे में ऐसे देखो, सी एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है. अब क्योंकि हाफ डुप्लेक्स है इसलिए इसको ऐसे इसका सिंबल होता है, एक सिंगल एरो. कई बुक्स में इसका एरो ऐसे भी बनाया हुआ है, एक सिंगल एरो पे, एक सिंगल इस पे रो पे, दोनों साइड पे एरो लगे हुए हैं बस. हम इसको लेकिन ऐसे बनाते हैं, एक सिंगल एरो, सही है. अब सेंट्रल डिवाइस है तो मतलब ये डिफरेंट डिवाइसेस इसके साथ कनेक्टेड हैं या नहीं है? डिफरेंट डिवाइसेस आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बिकॉज ऑफ द सेंट्रल डिवाइस, एग्री. अब देखो इसका आई पी एड्रेस मान लो है 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, सही है. अब ये जो कंप्यूटर है दोस्त 1.1, ये 1.3 को बोलना चाहता है क्या? हाय आई एम जैक, ठीक है. अब ये इंफॉर्मेशन किसको देना चाहता है? 1.3 को. तो ये डेस्टिनेशन आईपी लगा देगा 1.3, राइट. ये इंफॉर्मेशन यहां से हब के पास गई. नाउ फ्रेंड्स हब डजंट नो वेयर ही वांट्स टू गो, राइट. हब के हिसाब से वो कहीं भी हो सकता है, इधर भी इधर भी इधर भी. तो बुक में ये लिखा हुआ है कि हब इसको यहां से भी भेजता है, यहां से भी भेजता है, यहां से भी भेजता है, और कमाल की बात यहां से भी भेजता है. लेकिन बुक में ये गलत लिखा हुआ है, वो इसको वापस यहां से तो नहीं भेजेगा यार, कितना पागल भी नहीं है, ठीक है. अब उसने तीनों तरफ भेज दिया, क्या यहां पर डेस्टिनेशन आईपी 1.3 है? मतलब ये ड्रॉप कर देगा, ये बंदा भी ड्रॉप कर देगा. लेकिन यहां पर तो ये चीज एक्सेप्ट हो सकती है ना. अब दोस्त जस्ट इमेजिन, जब ये इंफॉर्मेशन इधर से जा रही थी ना स्विच कंप्यूटर 3 की ओर, उसी टाइम पे मान लो कंप्यूटर 3 सबको बताना चाहता है कि हाय आई एम स्पैरो, ठीक है. तो ये हाफ ड्यूप्लेक्स है. अब पहली बात तो ये, क्योंकि हब ने एक ही बार में सब जगह भेजा था, तो क्या ये एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन नहीं है?
ब्रॉडकास्ट डोमेन मतलब कितने लोगों को मिल रहा है, मैं एक ही बार में वो सबके पास भेज रहा है, तो वो एक सिंगल ही ब्रॉडकास्ट डोमेन हुआ ना, हुआ। अब देखो भाई, इसने बोला इट्स अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है, लेकिन जब ये इन्फॉर्मेशन इधर जा रही थी ना, उसी टाइम पे ये भी बोल रहा है आई एम स्पैरो, क्या होगा? क्या इसको पता लगा 1.3 को कि ये बंदा जैक है? क्या किसी को पता लगा कि ये स्पैरो है? वहीं बीच में बन गया जैक स्पैरो, मर गया बेचारा, खत्म पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। अब यार प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ एक सिंगल कोलिजन डोमेन है ना, एक सिंगल कोलिजन हुआ और इस पूरे हब के डोमेन के अंदर एक सिंगल कोलिजन हुआ, क्या वो डेटा किसी को भी मिल पाया? नहीं ना। बस दोस्त, इसीलिए हब इज कॉल्ड अ डंब डिवाइस, यही कारण है कि हब इज अ डंब डिवाइस। That's about hub. अब स्विच के बारे में बात करेंगे, पहले सर अटेंडेंस ले लीजिए। आपको समझ में आया? Yes, sir. Good. शुरू शुरू में पूरी एनर्जी रहती है।